फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल जय श्री राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद है हरिहर भगवान की दया से आप सभी सब परिवार अच्छे होंगे। फ्रेंड्स हम सभी चाहते हैं हमें कैसे भी करके पता चल जाए काश कि हमारी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। तो आज मैं अपने इस वीडियो में आपको यही एक छोटी सी ट्रिक एक्सप्लेन कर रहा हूं जिसको यूज़ करके आप फिगर आउट कर सकते हैं आपकी लव मैरिज है अरेंज मैरिज है। मैंने अपने कुछ क्लाइंट्स की यहाँ पर डिटेल लिखी हुई है जिनकी लव मैरिज हुई है जिनकी नहीं हुई है। मैं आपको सब वन बाई वन एक्सप्लेन करते जाऊँगी। बट फ्रेंड्स एक बात याद रखें कि जोड़ियाँ ऊपर बनती हैं भगवान के हाथ में होती है। तो ये जो ट्रिक है ये 85-90% वर्क करती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते। देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना मूलांक निकालना और भाग्यांक निकालना है। क्यों? क्योंकि देखिए ऐसा देखा जाता है कि जिनका भी मूलांक या भाग्यांक 2 होता है, 5 होता है, या फिर 6 होता है, या 9 होता है, ऐसे लोग मोस्टली 99% लव मैरिज करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। ये एक मेरे क्लाइंट का यहाँ पे डिटेल है डेट ऑफ बर्थ की। उन्होंने लव मैरिज की हुई है, मैंने उनको प्रेडिक्ट किया तो उनकी कुंडली देख के आपकी लव मैरिज होगी। अब ये ट्रिक से देखते हैं उनकी लव मैरिज होने के चांस थे या नहीं थे। सबसे पहले हम यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लेंगे उनकी। आप लोग पेपर और पेन ले लो और ख़ुद की डेट ऑफ बर्थ लिखो और ख़ुद भी ट्राई करो कि आपकी लव मैरिज होगी अरेंज मैरिज होगी। अब देखिए इनकी डेट ऑफ बर्थ थी 11। अब 11 को हम हर समय जब भी हम डेट मूलांक या भाग्यांक निकालते हैं तो हमको उसको रिड्यूस करके सिंगल डिजिट पे लाना होता है। अब इसको सिंगल डिजिट पे लाने के लिए 1+1 2 आया, इनके मूलांक में 2 आया, मीन्स यहाँ पे 50% चांसेस हो गए लव मैरिज के। क्योंकि मैंने अभी यहाँ पे बताया कि कौन से मूलांक और भाग्यांक वाले लव मैरिज करते हैं, तो 2 आ गया, मीन्स इनको 50% चांसेस है लव मैरिज के। अब नेक्स्ट देखते हैं इनका भाग्यांक। भाग्यांक के लिए जो इनकी डेट ऑफ बर्थ है पूरी मंथ ईयर एंड डेट ऑफ बर्थ सबको हम एक साथ में ऐड करके फिर उसको रिड्यूस करेंगे और जब 2 डिजिट आएगा तो उसको सिंगल डिजिट में करेंगे। जैसे मैंने सब जब ऐड किए तो 27 आया टोटल, फिर मैंने उसको जब सिंगल डिजिट में किया तो 2+7 इट्स बिकम 9 हो गया। अब देखिए जो 9 है क्या वो आ रहा है हमारे उसमें? यस, देखिए इनका जो भाग्यांक है वो 9 आ रहा है, मीन्स इनके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से योग बनता है कि 100% लव मैरिज करेंगे और इन्होंने अभी 1.5 साल पहले ही लव मैरिज की है। अब मेरे यहाँ पे एक दूसरी क्लाइंट है, इनको मैंने बोला था आपकी लव मैरिज होगी, पर इनके जो डेट ऑफ बर्थ और मूलांक आ रहा है डेट ऑफ बर्थ से भाग्यांक 3 आ रहा है। तो मैंने यहाँ बताया 2, 5, 6, 9 वाले नहीं करते हैं। पर एक बात याद रखिए, मैंने कुछ सेलिब्रिटीज़ के भी देखे जिनके मूलांक 3 है और भाग्यांक भी 3 है। अगर किसी का मूलांक और भाग्यांक दोनों 3 आता है तो वहाँ पर लव मैरिज के चांसेस बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इनका कंसिडर करते कि इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है 30 है, 30 को अगर हम करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 3 आएगा, 3+0 इज बिकम 3, तो इसका मतलब इनका मूलांक 3 हो गया। अब अगर हम इनकी पूरी टोटल डेट ऑफ बर्थ को ऐड करते हैं 30, 10 एंड 1997 को सबको ऐड करेंगे, आप खुद पेन और पेपर पे कर लें, फिर इनका टोटल आएगा 21। जब हम 21 को रिड्यूस करेंगे 2+1 इट विल बिकम 3, मीन्स इनका भाग्यांक भी 3 आया, मूलांक 3 है, भाग्यांक 3 है। यहाँ पे जब दोनों सेम हो गए इनके तो इन्होंने भी लव मैरिज की, मैंने इनको बोला था लव मैरिज होगी, 100% की लव मैरिज हुई है। फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो वीडियो देखकर। अगर नहीं समझ में आया है तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करें, मैं ट्राई करूँगी, मैं आप लोगों को बताने का ट्राई करूँगी कि आपकी लव मैरिज होगी अरेंज मैरिज होगी। मैं एक बार फिर से यहाँ पे बोल रही हूँ फ्रेंड्स, ये 100% एक्यूरेट नहीं है।